दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड बन चुका है बट दोस्तों आपको ये नहीं पता है कि आपका पैन कार्ड के साथ आपका आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं, बिकॉज दोस्तों आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं होता है तो इस केस में दोस्तों आपका अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जा सकता है या फिर इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है। एंड साथ ही दोस्तों आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कराने का जो लास्ट डेट है वो भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। सो आज के इस वीडियो में बस एंड तक आप बने रहना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दोस्तों किस तरह से आप चेक कर सकते हो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक है या फिर नहीं। एंड साथ ही साथ दोस्तों इन केस अगर आपका आधार कार्ड पैन के साथ लिंक नहीं है तो दोस्तों ऊपर में आपको एक वीडियो में सजेस्ट कर रहा हूं, तो उस वीडियो पे जाके आप देख लेना, देन सीख जाओगे कि आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ किस तरह से लिंक कर सकते हो। तो ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करूंगा, तो चले करते हैं वीडियो को फटाक स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड। दोस्तों आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक है या फिर नहीं, ये चीज़ जानने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों आप कोई सा भी एक सर्च ब्राउजर को ओपन कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे गूगल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद सिंपली से आपको सर्च बार में जाना है एंड यहाँ पर आपको लिखना है www.incometax.gov.in। जैसे ही आप ये लिखते हो, लिख के आपको सिंपली से दोस्तों सर्च कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सर्च करोगे तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टेटस चेक करने के लिए सिंपली से स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा एंड नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है लिंक आधार स्टेटस। तो सिंपली से इस लिंक आधार स्टेटस पे आपको क्लिक करना होगा एंड जैसे दोस्तों आप लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहां की दोस्तों आपको बोलेगा कि आप अपना पैन कार्ड नंबर भरो, वो पैन कार्ड नंबर भरो जिसे आप चेक करना चाहते हो कि उसके साथ आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं। तो सबसे पहले बॉक्स में आप पैन नंबर भर देना एंड सेकंड दोस्तों आपको यहां पे आधार नंबर भर देना है। सबसे पहले दोस्तों आप पैन और आधार नंबर को भर लेना। तो जैसे ही दोस्तों ये दोनों डिटेल्स आप भर देते हो, पैन कार्ड नंबर एंड आधार कार्ड नंबर, तो उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको नीचे एक बटन देखने को मिलेगा व्यू लिंक आधार स्टेटस। तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है एंड जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पॉपअप करके कुछ लिखा आ जाएगा, जहाँ की लिखा हुआ है योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिव एन आधार। इसका मतलब कि जो भी मैंने पैन कार्ड नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दिया है वो ऑलरेडी से लिंक्ड है। अगर इन केस दोस्तों आपके केस में अगर आपका पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली से लिखा जाएगा कि आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड जो आपने यहाँ पे दिया है वो अभी तक लिंक नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं है तो मैंने आपको ऊपर में वीडियो दे रखा है, तो उस वीडियो पे आप जाके सिंपली से देख सकते हो एंड सीख सकते हो किस तरह से आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने सीख लिया होगा किस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक है या फिर नहीं। तो साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो भी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, बिकॉज दोस्तों आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड साथ ही दोस्तों लगे हाथ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज दोस्तों इस चैनल पर आपको इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए जैन इस तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।